आज उनकी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमें तशवीश है कि पाकिस्तान चल रहा है। एक साइड पे भारत है कि वहां पे लोग सो नहीं पा रहे क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, पड़ोस में आग लगी हो, पटाखे चल रहे हो तो सोता कोई नहीं। लेकिन आप फ्यूचर के अंदर वो आपसे किस तरह बात करेंगे, किससे बात करेंगे, किससे बात करेंगे? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये है कि आप, खैर पहले भी आप 76 साल में आपकी इकॉनमी तो नहीं थी, आप या भीख मांगते थे या कर्जे लेते थे। $126 बिलियन लोन है आपका, $126 बिलियन। तो देखें, अब मेरा ख्याल है आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30 जून के आसपास आपकी 2.5 बिलियन की तो किस्त आ रही है जो कर्जे की देनी है। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे अगले महीने, और जिस तरीके से आपके सिंबॉलिक है, कोर कमांडर का घर जलाना सिंबॉलिक है। सिंबल किस चीज का है? GHQ को आग लगाना, कि आपके इदारे कमजोर हो चुके हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। दुनिया परेशान है कि आपके एटॉमिक एसेट्स का हफाजत जो है वो यही इदारा कर रहा है, ये परेशान। वाशिंगटन में लोग आज सोच रहे हैं कि उस रीजन में क्या होगा, आगे कहां जाए। लेकिन सर ये कैसे हिफाजत करेंगे न्यूक्लियर एसेट्स की, जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे? GHQ में जैसे लोग गए, उनके फ्रिज खोल लिए, सामान उठा लिया, मोर उठा के लेके, तो क्या क्या चीज़? खातून ने फ्रोजन स्ट्रॉबेरी निकाल के तो बड़े फखर से उसने उसकी वीडियो लगाई, ऑडियो वीडियो। उसने कहा मैंने ये कोर कमांडर के अंदर फ्रिज से निकाल के स्ट्रॉबेरी खा रही। एक लौड़ा लपाड़ा वो एक मोर उठा के भाग रहा था, दही के डब्बे उन्होंने उठा के खाए, मस्जिद को आग लगाई है। ये जो रियासत मदीना के ठेकेदार है, इन्होंने मस्जिद भी जलाई है उस घर की। चल लेकिन यही मेरा अर्ज है ना, दुनिया इस वक्त आज परेशान ये है कि जो जो इंस्टीट्यूशन अपने कोर कमांडर को डिफेंड नहीं कर सकते उसके घर को, वो एटॉमिक एसेट्स के बारे में परेशान है दुनिया आज। देखिए फिर, अब आप यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आज ये जो कुछ भी हुआ है इसका नुकसान पाकिस्तान को। और इस सारे इमरान खान हीरो बन गए क्या? नहीं, हीरो उसने क्या बनना, हीरो तो वो बनने की सलाहियत नहीं रखता, वो मैं बताता हूँ। एक तो अर्ज ये करनी थी कि 9 बंदे मर चुके हैं, 9 बंदे मर चुके। और उसके बाद ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त किसी का बच्चा, शाह महमूद कुरैशी का लड़का आपने कहीं देखा है? जवान आदमी है, MPA का कैंडिडेट, आपने देखा है किसी मूवमेंट में? उसके बाद आपका किसी लीडर का, असद उमर का बच्चा को देखा आपने किसी में जगह? सारे लंदन जा चुके होंगे, सारे भाग भाग। इस वक्त जहाजों पे सूरह सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो चार्टर फ्लाइटों की है इस वक्त। सब आपके इस्लामाबाद कराची लाहौर सबसे ज्यादा चार्टर फ्लाइटें भाग रहे हैं वो लोग। और इन सारे सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी हैवी प्राइसेस देने पड़ेंगे। एक तो मेरे ख्याल में अब डिफॉल्ट से आपको कोई बचा नहीं सकता, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन ये कि डिफॉल्ट भी करके फिर मेरा मतलब आपके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो 76 साल आपने ड्रामा एक बना के रखा है, ये पाकिस्तान ड्रामा जो था, मेरे ख्याल में अब उसकी आखिरी किस्तें चल रही हैं। बिल्कुल दुख के साथ आज जो मुझे सबसे ज्यादा रोना आ रहा है, आरजू या दुख हो रहा है कि 1947 में आपके अबाओ अजदाद के साथ क्या धोखा किया गया। उन्हें कहा गया था, जो आप मुझे याद है, आप अक्सर कहती हैं कि आपके दादा अलाहाबाद से थे, आज देखें वो कब्र में किस तरह करवटें ले रहे होंगे। जिन्हें कहा गया था आओ हम आपको पाकिस्तान दें, जिनको कहा गया था आओ हम आपको इस्लाम दें, जिनकी कुर्बानियां देखें। आपको तो पता नहीं, मैं तो कई लोगों को जानता हूं जिनके भाई मारे गए रस्ते में, जिनके बच्चे मारे गए, जिनकी बहनें लूट ली गई, जिन कईयों की बहनें आज भी इंडिया में रह रही, बच्चे हैं, उनके मजहब कुछ और है। आपका क्या ख्याल है उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी आज, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की, आज परेशान हो गए। लेकिन क्या परवाह ही नहीं। मैं तीन चीजें, सिर्फ एक बात, जंग के हालात में वार रूल्स में एम्बुलेंस को नहीं हाथ लगाया जाता, हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया जाता, स्कूलों पे हमला नहीं किया जाता, इन जालिमों ने किया है। इन्होंने कल पेशावर में 140 जिंदा जानवर जला दिए। बिल्कुल आरजू, ये इंसान है, आप एक मिनट के लिए सोचें, एक बेजबान है, बेजबान जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, बंधा हुआ है, उसको आग लगा रही है। सोच, अगर ये इंसान है, ये तो इंसानियत भी रो रही होगी आज इनके बारे में। माधव, बहुत जालिम लोग हैं सर,
जानवरों का सुन के तो बहुत मुझे अजीब, मैं सोच नहीं सकता, मुझे दुख हुआ है सबसे। इंसान किसी का बच्चे, 9 बंदे मार दिए, किसी के बाप थे किसी के बच्चे थे, अपने बच्चे सारे इंग्लैंड बैठे हैं इनके सबके, ये फरारी। सर केपीके में 37 मारे हैं, केपीके में 37 नंबर जिन लोगों के। अच्छा, वो हर घंटे में रिपोर्ट है। ये पंजाब में 9 है, पंजाब के 9। लेकिन देखे ज्यादा बुखार भी उन्हें ही है ना ज्यादा। देखे वहां 9 साल ये रहे हैं, इन्होंने कई लोग पाले हैं वहां पे, कई लौंडे लपाड़े, बहुत तैयारी कराई उनको, 9 साल से जिहाद की तैयारी करवा रहे हैं ना वहां पे। तो सही, तो मुकर गए इमरान खान, तो कह रहे मैंने तो किसी को नहीं कहा ऐसा करने के लिए। बिल्कुल ठीक, निकलने से पहले जो टेप निकाली थी वो क्या थी भाई, मैं मुझे अगर पकड़ लिया तो पाकिस्तान को आग लगा देना, वो टेप क्या थी? अब कह रहे मुझे नहीं पता। और वो ऊपर बैठा एक बंदा मार रहा, कहता हाजी आप इनको तो पता ही, ये तो द्योता है, ये तो खुदा है, इसको तो पता ही नहीं। उस बंदे ने ऑर्डर में लिखा है आज कि इसको ये सारी सहूलतें दें, उसने ऑर्डर में लिखा है मैं घर से आलू कीमा बनवा के लाऊंगा, मेरी बीवी पराठे बनाएगी आपके लिए। यार खुदा का नाम लो यार, ये क्या कर रहे हो, कुछ शर्म कोई है यार? उसने जिक्र, सारा पाकिस्तान जल गया, उसने जिक्र तक नहीं किया आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में कि बाहर सारा कुछ जल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोवाइड कहते ये तो खुदा, ये तो कहते खुदा का रूप है ना उस बिल्ला, ये तो खुदा का रूप है, ऊपर से उतरा है, ये तो काले बकरे चल रहे हैं और ये सारा ड्रामा है, सारा चल रहा है। पता है लोग तो कहते हैं, कई लोग जिनके सपोर्टर हैं या कोई इमरान खान को अगर कोई सुन रहे हैं कहीं भी, तो वो कहते हैं कि जी वो तो इनकलाब ला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को बदलने जा रहे हैं, वो तो फौज का एक जो असर है वो हटा रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं, और अगर उनके अगेंस्ट बोलूं तो मुझे कहते हैं कि जी तुम एस्टेब्लिशमेंट की आगे से जवाब ये दिया करो कि अगला चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज लाई या मोनस लाई है तो इंकलाब मुकम्मल हो जाएगा आपका, या उस्मान बुज़दार है आपका अगला, फिर उनकी सलाहियत है, 300 अरब के करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। ये कैसे कैसा एक दुनिया को फ्राड लगा रखा है इन्होंने। लेकिन देखे ना दो चीजें, जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का लीडर होगा, जिस तरह की बेवकूफ कौम है, जिस तरह की आंखों से अंधी हो चुकी है 25 करोड़ के आसपास। देखिए मेरा, मुझे मुझे उम्मीद, अब पहले जो टूटी फूटी उम्मीद कभी समझता था, हमारे आर्मी चीफ साहब भी इसको सीरियस नहीं ले रहे मेरा ख्याल में, उनको चाहिए था कि आज से बहुत अरसा पहले सख्त फैसले करते और हम यहां तक ना पहुंचते, लेकिन वो फैसले ना कर रहे हैं ना कर पाए हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह सारा प्रोजेक्ट उन्हीं के डिपार्टमेंट का, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन का ये सारा तजर्बा था, इसको ओन कर ले प्लीज, इसको ओन ले, इसको घर ले जाए, खुदा के लिए घर ले जाए, पाकिस्तान बचाना है तो कुछ करें। अब ये घंटों में बात है, अब ये इस पे आप पाकिस्तान दिनों पे नहीं जाएगा, घंटों में चले। तो सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर गवर्नमेंट भी तो ब्लंडर कर रही है, किस तरह से घसीटते हुए लेकर गए हैं अरेस्ट करके, सारी दुनिया ने देखा तो और तमाशा लग गया। नहीं तो पालकी में लेकर जाते फिर किस तरह, वो अरेस्ट तो वो दे ही नहीं रहते ना भाई, अपने को गिरफ्तारी नहीं दे रहे तो फिर किस तरह लेके जाते, किस तरह में लेकर जाते, यही तरीका कार था और किस तरह जाना, मैंने तो नहीं देखा उनको तशद्दुद होते हुए। हाँ वो स्पीड के साथ चलते गए हैं, वो अलग है, क्योंकि वो इज अ स्पोर्ट्समैन, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, वो तो शुक्र करें भाग के आगे नहीं निकल गए, वो तो स्पोर्ट्समैन, वो तो रोजाना 15-15 मील ट्रेडमिल पे भागते, भागने वाला इंसान, ये टोपी ड्रामा व्हीलचेयर वाला किया हुआ था उसने, देखा नहीं किस फुर्ती से आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां किस तरह छलांग छलांग के चढ़ गया बंदा, कुछ भी नहीं है उसको, ये तो ड्रामा सिर्फ एक कर रखा है, तो दुनिया बेवकूफ है। और सारे जज, मैं तो इनको कहता नहीं है जज, क्योंकि जज मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लफ्ज होता है, ये कौन से जज है, इनको क्या पता है कि जुडिशरी क्या है, अदालतों की एक इज्जत क्या है, ये तो वो लोग हैं कहते हैं आओ आओ हमारी अदालतों में आओ भी हम करते हैं तुम्हारा, हमने इस, मुझे भी याद है एक जज ने कहा था सड़कों पर जलील होते फिर मेरे सामने आओ मैं फिक्स इसको फिक्स करता हूँ, पनामा से अकामा निकालता हूँ, चले फिर अब इसमें आरजू। लेकिन मैं, मुझे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त कि आप सरवाइव कर पाएंगे, मेरे ख्याल में 2 महीने ज्यादा मैक्सिमम महीना 2 महीने बस, इससे अलावा आगे नहीं। लेकिन सर बाकी दुनिया कैसे देख रही है पाकिस्तान को इस वक्त, सब क्या मतलब, जैसे IMF है अमेरिका से और कहां से तो पैसे मांगने, इनको कुछ मिलेगा या अब सब अर्ज ये है कि दुनिया पहले भी को आपको इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, मुझसे ये क्वेश्चन बड़ी दफा हुआ है कि when you call, when the word Pakistan comes in your mind, what comes, what else comes? मैं पहले कहता था दहशतगर्दी, अब कहता था कि कर्जे, फ्रॉड, धोखा, भीख, अब ये नजर ज़हन में आता है। पहले भी आप ने कौन सा मेरा मजा चांद पे पहुंचे हुए थे, पहले कौन सा वहां आप मेरा मकसद दूध की नहरें चल रही थी, पहले भी आपके
पासपोर्ट को देख के दुनिया परे हट जाती है, कहते ये कौन फ्रॉडिया आ गया। हाँ अब क्या हो रहा है, अब वो आपसे शेक हैंड करना छोड़ दे, अब आपसे ना IMF बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका मुंह लगाएगा, बल्कि चाइना भी तौबा कर रहा होगा, चाइना भी आपसे माफी मांगेगा फ्यूचर में। बल्कि वो जो अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो बेजार थे आपसे, उन्होंने जाती दफा बड़े मिन्नत वाले हालात में कहा यार कुछ हालात ठीक करो, हमारे पिछले भी $26 बिलियन खा गए हो,